नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। हाउस टूर के बाद आज नया वीडियो बन रहा है। हाँ, व्लॉग के मामले में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी चल रही है, लेकिन आप सबको पता होगा कि मेरे फनी शॉर्ट्स तो रोज आता है, रोज रात को 9 बजे के आसपास एक वीडियो आता ही है। सो अगर आपने इतने सारे वीडियोज मिस किए तो अभी जाके देखो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक भी करना वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना। तो अभी मैं हूँ जयगांव में, मैं जयगांव आया हूँ अपनी कजिन की शादी के लिए। और एक्चुअली वैसे तो मैं आज एक्चुअली दूसरा दिन है, आज हल्दी और एंगेजमेंट सेरेमनी है, और आज मैंने और मेरी बहन ने डांस परफॉर्मेंस भी यू नो सेट किया है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो मोस्टली एक आपको अलग से वीडियो आएगा डांस परफॉर्मेंस का, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे अमरनेर एक तालुका है जयगांव डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ पे शादी है। और मैं अभी अमरनेर आई थिंक फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, मैंने इसके पहले कभी देखा नहीं है। और तब तक आप देखिए कल जो मेहंदी का फंक्शन हुआ था उसके कुछ क्यूट क्यूट मोमेंट्स। और घर को इतनी सुंदर गोल्डन कलर की लाइटिंग की है, पूरी कॉलोनी में घर एकदम चमक रहा है। और ये है हमारे दूल्हे राजा अमित, और अभी इनकी मेहंदी निकालने का प्रोग्राम चल रहा है। और ये आता है मेहंदी दा खोना। अभी थोड़ी सी टाइम की भी शॉर्टेज है और मेहंदी निकालने वाले की भी, इसीलिए यहाँ पे सब मेहंदी आर्टिस्ट बन गए, सब एक दूसरे के लिए मेहंदी निकाल रहे थे। और बहुत टाइम के बाद यू नो ऐसे मौका आया मेहंदी निकालने का। और ये मेरा भांजा है अद्वैत, और जब मैं थोड़ी देर पहले आया ना, इसने मुझे देख के बोला कार्टून वाला मामा। सही पकड़े हैं। One eternity later. थामा काकू फोटो काढ़ ना, माझा नाही मेहंदी नाही। अच्छा, मेहंदी नाही का? यहाँ पे थोड़ी सर्कस चल रही है फोटो निकालने के लिए। ये जितनी भी दूल्हे राजा की बहन, मामी, काकू सबने फोटो निकाली है, सबने मेहंदी निकाली है, वो सब अभी फोटो निकाल रहे हैं। प्रूफ है कि हमने मेहंदी निकाली थी, हमने शादी अटेंड की थी। अरे एकाने टॉर्च पकड़ा मग दुसरा निकाला। काकू हाय करा। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वहां जाने के लिए। और पहले मुझे लगा था कि हम तैयार होके जाएंगे, जो एंगेजमेंट के कपड़े हैं वो ही पहन के जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि फिर गर्मी भी बहुत है, सबने बोला कि वहाँ पे जाके तैयार होंगे, सो आई थॉट इट्स ठीक है, गुड, अच्छी बात है, वहीं पे जाके तैयार होते हैं। अभी ऑलमोस्ट साढ़े दस बज चुके हैं। अभी हम लोग एक आध घंटे में निकलेंगे, मे बी उससे ज़्यादा, बिल्कुल इतने सारे लोग हैं, कुछ मेहमान तो अभी आए, तो वो फ्रेश होंगे, चाय नाश्ता करेंगे उसके बाद। और ये देखिए कितनी सारी बैग्स हैं, ये 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 ये। तो अभी मम्मी ने बोला कि जितना सामान वहाँ पे 2 दिन लगने वाला है उतना ही लो, बाकी के बैग यहीं पे रखो, मैंने बोला ठीक है। और ये जो करली करली बालों वाली, ये करली टेल्स है, इसने अपने बाल स्ट्रेटनिंग करवाया, देखो
नाइस। ऑल्सो मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखाना चाहता था। ये मोरपंख है, ये मैंने ही निकाला है, और ये जो ऊपर आप कारागिरी देख रहे हैं ये भी मैंने ही की है। शाबाश बेटा। ये ऑलरेडी इतनी सारी लेडीज थी, सबके हाथ पे मेहंदी निकालनी थी, तो मैंने बोला मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने कोन लिया और मैंने अपना अपना कर लिया। 2 hours later। सो दोस्तों हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, और ये देखिए अभी इमीडिएटली हल्दी की तैयारी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी सबका स्वागत हुआ। सो गाइज अभी फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, और हम लोग पहुँच गए थे 4:30 बजे, और अभी मैं तैयार हो गया। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो वैसे तो ये मेरी एज का है, लेकिन वैसे ये मेरा भांजा लगता है, इसका नाम है दर्श, और ये इंदौर से आए। हाय दर्श। हाय गाइस। तो हम लोग आज सुबह ही मिले, लेकिन आज सुबह से हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। ऑल्सो अभी जो एंगेजमेंट की पूजा होती है वो स्टार्ट हो गई है, तो चलो थोड़ी सी एक नज़र वहाँ पर डालते हैं। मुझे लग रहा था कि पहले आई थिंक हल्दी होगी, लेकिन अभी तो पहले एंगेजमेंट है। एक्चुअली राइट, पहले एंगेजमेंट ही होती है, उसके बाद हल्दी होती है। और ये देखो अमित भैया के चेहरे पे कितना ग्लो आ गया है। मैंने सुना था जब किसी की शादी फिक्स होती है तो चेहरे पे ग्लो आता है, और आज देख भी लिया। मी नवर देवाची बहन, मी नवर देवाची आई, मी नवर देवाची मामी, मी नवर देवाची काकू। यहाँ पे अभी दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है, और मुझे ना इन दोनों के ग्रीन कॉम्बिनेशन वाले कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक का लाइट ग्रीन है, एक और एक का डार्क ग्रीन है। Few moments later. अभी ना एंगेजमेंट के बाद इमीडिएटली हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो गया है, उसके बाद हमारे डांस परफॉर्मेंसेस भी स्टार्ट होंगे। मामी हाय करा। हाय करना एकदा, ताई एकदा हाय करना। थांब एक सेकंड, अंदर येतो। ओके इकडे बघा, एक मिनिट इकडे बघा, हाय करा एकदा। सो गाइज अभी एंगेजमेंट और हल्दी दोनों का प्रोग्राम हो चुका है, और अभी हम सब लोग बहुत ज्यादा टायर्ड है, क्योंकि एक तो सुबह से बहुत कंटिन्यू भागा दौड़ी चल रही थी। अभी सब लोग बैठे, तो मैंने बोला कि आप सबको उनका एक एक इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कजिन भाई है, इसका नाम जय है, इसको हम लोग सोनू बोलते हैं। ये भी मेरा कजिन भाई है, इसका नाम सारंग है, इसको सारंगी बोलते हैं। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका नाम कपिल है, इसको प्यार से क्या बोलते हैं? चीमे। तो अभी कैसा लग रहा है अमित भैया की शादी हो रही है? बहुत तकलीफ। नहीं नहीं, अमित भैया को गुड विशेस दो। गुड विशेस क्या दू? बहुत अच्छा लग रहा है यार फिर उसकी शादी। अब नेक्स्ट नंबर किसका है? नेक्स्ट तो अभी हमारा ही। समझ रहे हो आप?
समझ रहे हो? उसके बाद आपका है भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। ओहो नाइस जोक। सारंग कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? समीर शेख जी को नहीं पहचाना? नमस्ते गाइस। कुछ बोलिए। ये वो इंसान है जो सारे लोगों के चैनल देखता है, बट चैनल सामने आता है ये बोलता नहीं है कुछ। हमारे छोटा चेतन। गाइस ये मेरा भान, ये मेरा भांजा है आराध्य। बोलिए बोलिए। मामा जी के क्या है, वीडियोस पे क्या देखते हो आप? मैं इनका बर्थडे है। आज इनका बर्थडे है। और आपको कैसा लग रहा है अमित भैया की शादी हो रही है? तो बहुत अच्छा, बस इतना ही। जिंदगी के एक साल कम हो गए हमारे, कर नहीं पाए। ये जी फैन फॉलोइंग बढ़ना रहे। कॉन्ग्रेचुलेशन्स, कसं वाटतंय? आज ऋषि का बर्थडे है तो यहीं पे हमने साइड में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दिया। ये देखिए रानी ताई का नववारी साड़ी में ब्यूटीफुल लुक। अरे बर्थडे, तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको हम सबके संगीत के डांस परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगे और शादी और रिसेप्शन की धमाल भी।